में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के व्याख्यान के लिए मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दीक्षा ने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आपने पूरा किया और शुरुआत से ही आपकी इंटरेस्ट, आपका रस जिस डिपार्टमेंट में था वही आपको मिला और आपने सच में यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद राजस्थान सरकार की मेडिकल ऑफिसर की सेवाओं में भी आपने कुछ समय तक अपना योगदान दिया और उसके बाद अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर उदयपुर कॉलेज में, मदन मोहन मालविया कॉलेज में आप स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग में कार्यरत है। मैं आज के लेक्चर के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको ये सत्र हैंडओवर करती हूँ, डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। सबसे पहले, हमारा सेशन शुरू करने से पहले, मैं भगवान धन्वंतरी को याद करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कृपया सभी हाथ जोड़ के धन्वंतरी वंदना में साथ दे मेरा। जय जय हे धन्वंतरी भगवान, तव चरणों प्रणाम। देव धनुज नर वंदित गद हर, शरणं तव शय्याम। जय जय हे धन्वंतरी भगवान, मतित पयो निधि मध्य समोद्भव, पाणावमृत धारिन। सुख दो वर दो धन दो भवतात, गद भय वारण कारिन। दियताम हि लोकेभ्य सुतराम, स्वास्थ्य जय सुल्लाम। जय जय हे धन्वंतरी भगवन, तव चरणों प्रणमामि। त्वं सीमितान्तं केवलमेक, आमय भीति निहन्ता। सकल सुरासुर वर मनुजानां, मानस पटल नियन। जगति गद ब्रज गर्भ विनाशिन, भक्त्यवयम भजाम। जय जय हे धन्वंतरी। स्वतंत्र भारते वैद्यक विद्या, भवतु परम स्वच्छंदा। यया समस्ते लोके स्माकं, भूयात् प्रगतिरमन्दा। आयुर्वेदो भवतु समुच्चः, सततमिदं वाञ्छामि। जय जय हे धन्वंतरि भगवन्, तव चरणौ प्रणमामि। धन्वंतरी भगवान के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करने के बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज के हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर अर्जुन सिंह बघेल सर, जो एट प्रेजेंट प्रोफेसर एंड एचओडी हैं बेसिक प्रिंसिपल डिपार्टमेंट जामनगर के। इसी के साथ वो इंचार्ज एचओडी भी हैं क्रिया शरीर विभाग के। सर ने अपना बीएमएस 1990 में रायपुर में किया, पीजी 1994 और पीएचडी 2005 में जामनगर इंस्टीट्यूट से ही किया। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 25 इयर्स का है, जिसमें से 11 इयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में ही है। साथ ही सर ने बहुत से पीजी और पीएचडी स्कॉलर्स को अपना गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाया है। इसके अलावा सर डब्ल्यूएचओ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एज अ को इन्वेस्टिगेटर एंड कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, और एट प्रेजेंट सर लेक्सिकॉन एडिशन ऑफ चरक संहिता प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर बहुत से बुक्स में एज ऑथर, को ऑथर, और सर ने बहुत से चैप्टर भी कंट्रीब्यूट किए हैं, और
मोर देन 34 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत सी सोसाइटीज में मेंबर और चेयरमैन भी रहे हैं सर, एट प्रेजेंट हैं सर, विश्व आयुर्वेद परिषद के मेंबर हैं, इसी के साथ आरडीसी बेसिक प्रिंसिपल गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर इसके भी सर मेंबर हैं, इसके साथ बहुत वेरियस एक्टिविटीज में भी सर बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। आज का टॉपिक जिस पे हमें सर के द्वारा मार्गदर्शन मिलने वाला है वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड रोल ऑफ लाइफस्टाइल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव। ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है आज के युग में, उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। एक एरा हमने देखा था जब कम्युनिकेबल डिजीज का एरा था जिसने एलोपैथी सिस्टम में बहुत अच्छे से काम किया, उसके कारण शायद कॉलेरा स्मॉल पॉक्स ट्यूबरकुलोसिस बहुत हद तक कंट्रोल में है। अब वो एरा कन्वर्ट होके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कन्वर्ट हो गया है जहां पर बहुत हद तक शायद एलोपैथी सिस्टम इतना कारगर नहीं है या प्रॉपरली एक गुड ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां पर देयर इज लेस ट्रीटमेंट विद मोर साइड इफेक्ट्स। तो उसको ट्रीट करने के लिए आज के जमाने में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एरा है उसके लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है उनके लिए हमें आयुर्वेद के थ्रू उसके बहुत से सिद्धांत है जिसके थ्रू हम उसको मैनेज करके हम उसको अच्छा एक उस पर कमांड ले सकते हैं। और एक एरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने 2020 में इन द लास्ट 2019 में भी देखा COVID-19 जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन इसमें भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर देखी जाए तो COVID-19 या कोरोना से केवल जो मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी रेट उन्हीं में ज्यादा मिला है जो ऑलरेडी किसी न किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित थे, यानी जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ चाहे बीपी शुगर थायराइड की या जिसको कैंसर था, यानी ऑलरेडी जो एक मेडिसिन सिस्टम में थे उन्हीं में ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं अभी आयुर्वेद में हम देखें तो कम्युनिकेबल डिजीज में भी हमने कुछ थोड़ा अपना प्रभावीता दिखाई है। तो गोल्डन एरा है हमारे लिए ये, इसी को आगे सर अपना मार्गदर्शन देंगे इस टॉपिक में। तो हैंड ओवरिंग टू सेशन टू डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल सर। नमस्कार, जय जन्मदिन। सबसे पहले स्टडी सर्कल जयपुर को के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय बलवीर जी, मित्तल जी एवं सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि दीक्षा ने मेरे टॉपिक बता ही दिया है, वैसे टॉपिक से आप सही परिचित हैं लेकिन फिर से इस टॉपिक को एक आज की रिलेवेंस में मैं करना चाहूँगा क्योंकि एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए प्रारंभ से ही डी एल एस से हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल एक ऐसा विषय है जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण विषय है जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण के लिए आवश्यक भी है। तो मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं अष्टांग हृदय को एक अष्टांग हृदय के एक महत्वपूर्ण श्लोक आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशक विधेय परम आदर इस श्लोक से प्रारंभ करना चाहूंगा। इसका अर्थ है धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है और इस आयु को जिसकी क्या हो उसे आयुर्वेद के उद्देश्य में विशेष रूप से आदर करना चाहिए, अतिशय रूप में आदर करना चाहिए। इस श्लोक में और भी रसक विषय हैं जैसे धर्म धारणा धर्म जिससे लोग धारण किया जाता है, धर्मो धारयति प्रजा धर्म ही प्रजा का धारण करती है, धर्मो रक्षति रक्षितः अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं होती है। इस तरह धर्म की विभिन्न व्याख्याएं उपनिषद आदि में वर्णित है, लेकिन यहाँ पर जो धर्म है वो हिंदू आदि धर्म के संबंध में नहीं है। धर्म का अर्थ होता है व्यक्ति का जो आचरण या कहें नैतिक नियम या कर्तव्य जिसके पालन करने से
व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, जिसके धारण करने से व्यक्ति और समाज का अभ्युदय हो जीवन के श्रेष्ठतम प्रारब्ध हो सके वह धर्म है। कौटिल्य ने कहा है सुखस्य मूलं धर्म, सुख का मूल धर्म है, अर्थात स्वस्थ शरीर से धर्म का पालन किया जा सकता है। यदि हम आयुर्वेदज्ञ समझें कि हम आयुर्वेद के संबंध में विशेष उपदेशों को सिद्धांतों को ध्यान करके दूसरे को उपदेश दो तो आयुर्वेद के लिए यही एक धर्म है। इसी तरह इसका दूसरा विषय अर्थ है, अर्थ मतलब याचना करना। जिसके पास धन होता है उससे दूसरे मांगते हैं और जिसके पास नहीं होता वो दूसरों से मांगता है। इस तरह जो याचना करता है, जिसकी याचना होती है वह अर्थ है, और अर्थ एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सभी प्रकार की प्रलब्ध प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से सुख है, सुख का तात्पर्य अनुकूल वेदनीय सुखम या कई प्रकार का होता है। डॉक्टर अर्जुन भैया हेलो, हाँ वो थोड़ा सा आपकी माइक की वायर है ना, एक बार फिर से अंदर वो वहां कनेक्ट करके फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है भैया, है ना, एक बार फिर से कर लीजिए। आयु और आरोग्य आदि की प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार आर्यत कर्मों का अनुष्ठान करते हुए स्वस्थ रहते हुए धर्म का अनुष्ठान करें तो ये स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति कराता है। इस तरह से कहा भी गया है कि धर्मात्मा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्य प्रत्यपहरणं श्रेयसो जीवितस्य च। इस तरह से आयुर्वेद एक पूर्णतम वेद के रूप में श्लोक और परलोक दोनों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। आयुर्वेद आयुर्वेद अमृता नाम, जीवन दान देने वालों में आयुर्वेद एक श्रेष्ठ है। आयुर्वेद के उपदेश, आयुर्वेद के सिद्धांत स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। अतः हमें इनका पाठ अवबोध और अनुष्ठान करते हुए दीर्घ जीवन, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख, यश आदि की प्राप्ति हम कर सकते हैं। यदि हम आयुर्वेद के परिभाषा देखें, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम मानव यत्रोक्तम आयुर्वेद से। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, दुख आयु, सुख आयु और इसके लिए क्या हित है क्या अहित है, आयु का मान और इसके स्वरूप का ज्ञान हो वह आयुर्वेदिक शास्त्र कहलाता है। यदि हम इसके प्रयोजन देखें, स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकास प्रश्मनम है, और इन प्रयोजन की प्राप्ति के लिए हेतु लिंग औषध रूपी ज्ञान शाश्वत और पूर्णतम आयुर्वेद के सूत्र के रूप में उपलब्ध है, जो ब्रह्मा के द्वारा प्रणीत महर्षि ने ज्ञान प्राप्त किया और इस सृष्टि में सब मनुष्यों को स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया। इस तरह से आयुर्वेद के प्रति हमें सदैव आदरणीय उत्तर होना चाहिए। यदि हम प्रेजेंट कंटेस्ट या मेरे टॉपिक देखें हेल्थ और आयुर्वेद, स्वास्थ्य केवल रोग की मुक्ति ही नहीं बल्कि आयुर्वेद कहता है यह इंद्रिय मन आत्मा आदि की प्रशंसा को ही व्यक्त करता है। किस तरह से आयुर्वेद की दृष्टिकोण से भी फिजिकल मेंटल सोशल एस्पेक्ट का समावेश स्वास्थ्य के साथ जुड़ जाता है। यदि हम आगे देखें, यदि आयु की परिभाषा देखें, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवतम, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा इनका संयोग आयु है। यदि शरीर तत्र चेतना अधिष्ठान भूतम, इस शरीर आत्मा के साथ शरीर में दो धातु मलों का भी समावेश हो जाता है। इसी तरह इंद्रिय और सत्व सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन और चेतनाधिष्ठान ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो इस तरह से आयु का एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हमारे सामने है, और जो कर्म पुरुष आदि के रूप में जाना जाता है, और स्वस्थ की धारणा भी इन्हीं
पक्षों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पक्ष की परिभाषा बताई है, जो हम देखेंगे समदशा सामाजिक समधातु मलिक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वीजिए। तो यह एक वैज्ञानिक और संपूर्ण परिभाषा के रूप में आज भी एक प्रचलित है, जो WHO का डेफिनेशन है, इससे काफी मेल खाती है, जो हमारे आचार्यों ने कई हजार साल पहले परिभाषित किया है। इस तरह से अन्य परिभाषा भी उपलब्ध है, रोगस्तु दोष शांत आरोग्यम साम हमारे सभी आचार्य ने दी है। हेल्थ की डेफिनेशन हमारे सभी आचार्यों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ की परिभाषा दी है, और उसी को कहीं ना कहीं कंसाइज करके WHO ने फिर अपनी जो डेफिनेशन है वो पुट ऑन करी है आगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना वास्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेद में स्वास्थ्य को, आयु को, और उसको स्वस्थ रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत से तरीके भी बताए गए हैं। सोशल वेलबींग, हेल्थ वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सब तरीके से उसको कवर करा गया है। उसी पर्सपेक्टिव पर आज हम बात करेंगे, जो कि एक आज के टाइम में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए हम कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम इसमें एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थायराइड या कुछ भी, सर शायद वापस कनेक्ट हो गए हैं, स्लाइड शेयर हुआ है? जी जी जी, स्लाइड शेयर हो गई भैया, दिख रही है जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जैसे कि हमने हेल्थ के लक्षण के रूप में देखा, काश्यप के खिले स्थान में वर्णित है, इसी तरह से चरक संहिता के 21वें अध्याय में है, सम मांस प्रमाणस्तु सम सहनो नरः दृढ़ इंद्रिय विचार नाम बलेन अभिभूयते हृत पिपासा स आदि जो लक्षण है, एक सम्यक पुरुष के लक्षण के रूप में है, जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर भी शारीरिक क्रियात्मक और इंद्रियात्मक लक्षण को आचार्य चरक ने व्यक्त किया है, जो स्वस्थ के परिभाषित लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे धातु साम्य के लक्षणों में विमान स्थान में बताए हैं रुग उपशमनम स्वरवर्ण योगा शरीर रूप से बल वृद्धि आदि लक्षण एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण या विकार उपशम के लक्षण के रूप में हम विभिन्न स्थानों पर देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य के परीक्षा के रूप में हम देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की परीक्षा के रूप में हम देख रहे हैं। इसी तरह से एक आयुर्वेद में सुखायु का जो वर्णन दिया है 30वें अध्याय में, शरीर मानस्याभ्याम रोग व्याम अनभिवृत्ते से समर्थ अनुगतम बल वीर्य पौरुष पराक्रमस्य ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदय समृद्ध सर्व आरंभस्य सुखम आयु आयु उच्यते। इस तरह से सुख आयु, क्योंकि आयुर्वेद में विशेष रूप से चरक में जो सुखायु की धारणा है, वह व्यक्ति जब तक स्वयं प्रशस्त गुणों से युक्त नहीं होगा तब तक वह अन्य
कार्य के योग्य नहीं होता है। जिस तरह यह भी एक स्वस्थ पुरुष के लक्षण और एक प्रशस्त पुरुष के लक्षण के रूप में चरित्र संहिता के तीसरे अध्याय में वर्णित है। इसी तरह से यह तायु का चित्तेषण सत्यवादिन परीक्षा कारण अप्रमत्तस्य ज्ञान विज्ञान उपमोशीलस्य वृद्धोपसेवनी सततम विविध प्रदान परस्य विस्मृतो स्मृति मति मतो हितम आयु। इस तरह से आयुर्वेद का एक पक्ष सामाजिक पक्ष है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक पक्षों से युक्त गुणों का वर्णन जो एक लक्षण के रूप में स्वस्थ वायु के लक्षण के रूप में चरित्र संहिता में वर्णन है, वर्णन है इस तरह से। जैसे और इसके विपरीत अहित आयु कहा जाता है। अब हम देखें मेरे टॉपिक के दूसरे पक्ष, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इज अ वे ऑफ पर्सन लाइफ। इट इंक्लूड्स वंस हैबिट कस्टम सोशल ग्रुप मोड ऑफ ड्रेस जेंडर डाइट काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा द मैनर इन विच वन परफॉर्म कॉमन डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग। लाइफ स्टाइल इज ऑफ एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ डीपेस्ट वैल्यू एटीट्यूड मॉरल स्टैंडर्ड इकोनॉमिक अप्रोचेस एंड पर्सनल फिलोसफी। द एंटायर एक्टिविटी ऑफ एंड कंडक्ट बाई द पर्सन ड्यूरिंग होल डे एंड नाइट रिगार्डिंग इट्स मेथड टाइम प्लेस एटसेट्रा इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने दिन से लेकर रात्रि तक जो भी क्रियाकलाप करता है उसका समावेश हम लाइफ स्टाइल में करते हैं और इसका रिफ्लेक्शन हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जैसा कि आप देखते हैं आज की लाइफ स्टाइल एक चेंजिंग लाइफ स्टाइल के रूप में है। प्राचीन काल में जो लाइफ स्टाइल होती थी कम संसाधनों में एक आइडियल लाइफ स्टाइल होती थी, रोग भी कम होते थे, लेकिन आज एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का प्रचलन बढ़ गया है। इस सिविलाइजेशन के साथ साथ अनेक टेक्नोलॉजी की बाढ़ सी हो गई है और साथ ही साथ जीवन पूरा कंपटीशन से युक्त हो गया है। इस तरह से इस चेंजिंग लाइफ स्टाइल हैज बिकम लीडिंग काज फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक डायबिटीज मेलिटस एक्सेट्रा। इस तरह से जो वर्तमान में लाइफ स्टाइल है इसका प्रभाव भी स्वास्थ्य पर बुरा असर कर रहा है। तो देखते हैं हम आयुर्वेद के संबंध में जो लाइफ स्टाइल है। आयुर्वेद सामान्य रूप से प्रिवेंटिव और क्रिएटिव एस्पेक्ट के स्वरूप में काम करता है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आहार विहार और आचार, और इसी तरह से क्योरेटिव एस्पेक्ट में निदान परिवर्तन शोधन शमन आदि का समावेश होता है। लेकिन लाइफ स्टाइल में दोनों ही बातों का समावेश होता है, लेकिन ज्यादातर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को लेते हैं। इसी तरह से आचार लगते ही आयु। यदि हम देखें आचार जिसमें आहार और विहार दोनों का समावेश हो जाता है। विहार भी दो प्रकार के हम मानते हैं, नियत काल और अनियत काल, जिसमें नियत काल में दिनचर्या और ऋतुचर्या जो लाइफ स्टाइल का एक महत्वपूर्ण भाग है का समावेश होता है, और अनियत काल में किसी अवस्था विशेष में होने वाले विहार का समावेश होता है, और इसी तरह से आहार आदि का समावेश हम अन्य भागों में कर सकते हैं जो हमारे आचार के रूप में हमारे दैनिक जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल के रूप में समावेश होता है। इसी तरह से देखें तो आयुर्वेद हैज स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल विच इनेबल द लिविंग बीइंग टू लीड क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव लाइफ। दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर एंड प्रैक्टिस दोज प्रिंसिपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीजन। इस तरह से हम लाइफ स्टाइल में विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में या हमारे स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में समावेश कर आयुर्वेद के जो भी घटक हैं उनको समावेश करके एक पॉजिटिव हेल्थ और स्वास्थ्य संरक्षण की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं।
In spite of all advancement of the modern medicine, there is growing demand for the knowledge of Ayurveda and the service of Ayurvedic physician all over the world because of the unique and holistic approach for the healthcare of this kind. जिस तरह से आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच आज सभी को प्रभावित कर रहा है और इसकी डिमांड हमारे सामने बढ़ रही है. द प्रेजेंट डे साइंस इज मोर इन हेल्थ ओरिएंटेड देन द हेल्थ, लेकिन हमारा आयुर्वेद प्रिवेंटिव और प्रमोशन के रूप में पॉजिटिव हेल्थ का विचार करता है और इसी तरह से आयुर्वेद एक आज के विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं. तो इसकी डिमांड हम इसकी जरूरत हमें ही पूरी करनी है. तो हम आयुर्वेद को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं कि जहां से सभी एक सभी को स्वास्थ्य आदि प्रदान हो सके, क्योंकि यह प्राचीनतम शास्त्र है. प्राचीन काल से ही मतलब किस प्रकार का हमको ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका उल्लेख शास्त्रों में पहले से प्राप्त है और उस अनुरूप ही जो भी हमारे डेली रूटीन्स है सीजनल रूटीन्स है आयुर्वेद है और आयुर्वेद में सद्वित का वर्णन है वर्णित है. अब देखते हैं हमारी दिनचर्या जो हमारी लाइफ स्टाइल दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग है. दिन के प्रारंभ से लेकर रात्रि तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वह दिनचर्या कहलाते हैं. इस तरह से हम स्वयं के जो प्रकृति आदि का विचार करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्रियाकलाप है कार्यकलाप है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विशेष रूप से हम स्वास्थ्य को किस प्रकार से मेंटेन करें उसका ध्यान रखते हुए हमें अपनी क्रिया निर्धारित करनी चाहिए. आयुर्वेद में अनेक विषय हैं जो इस दिनचर्या के हेडिंग्स में बताए गए हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मलमूत्र विसर्जन और ओरल आयोजन, दंत धावन, गंडूस, अंजन, नस्य, धूमपान, अभ्यंग, व्यायाम आदि. ये सब घटक हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको एक सम्यक रूप में करने का निर्देश देता है. जो दिनचर्या का वर्णन है स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देते हुए और हमारे जो मुख्य काम है उसको ध्यान में देते हुए ध्यान में रखते हुए दिनचर्या का विषय वर्णित है. इसी तरह से और भी दिनचर्या के घटक स्वरूप हैं, उसमें हम देखेंगे विशेष रूप से उद्वर्तन, स्नान, भोजन विधि, वस्त्र परिधान, जीविकोपार्जन, प्रेयर, रात्रि भोजन आदि का समावेश इस निद्रा आदि का समावेश इस दिनचर्या के विशेष घटक के रूप में होता है. मैं यहाँ पर विशेष रूप से सभी घटकों का वर्णन नहीं करूंगा, विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमें नियमित रूप में पालन करना चाहिए उसका ही जिक्र करना चाहूंगा. क्योंकि जो हम स्वास्थ्य के कंपोनेंट्स देखे हैं उनसे संबंधित जो भी दोष धातुमल है उनको साम्यता रखते हुए हमारा जो दिनचर्या या जो भी एक्टिविटी है दिनचर्या के घटक विषय हैं उनका हमको पालन करना चाहिए. इसी तरह से मैं इसमें से कुछ ही विषय वस्तु है जो दिनचर्या के भाग रूप में है तो उनका ही जिक्र करते हुए जो हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए ऐसी आशा रखता हूँ. तो इनके प्रमुख घटकों में पहला आता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना. हम आयुर्वेद वालों के लिए यही एक प्रमुख और पहला निर्देश है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें. ब्रह्म का अर्थ ज्ञान, यह समय ज्ञान का होता है इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के पश्चिम पहर, जैसे हम आज के समय के अनुसार देखें जो 96 मिनट बिफोर सनराइज के रूप में आता है तो
हस्त पुरुष को चाहिए कि आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा अध्ययन आदि का कार्य करें। प्रातः काल को अमृत वेला भी कहा जाता है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल आकाश, विपुल प्रकाश, ये एक प्रकृति के पंचामृत हैं। और प्रातः काल एक ऐसा समय है इस काल में जो वातावरण स्वच्छ होता है, प्रदूषण रहित होता है, और इसी अवस्था में इन पांचों को की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह से शास्त्र में कहा भी गया है कि जो प्रातःकालीन पंचामृत को त्याग करता है वो आरोग्य, भाग्य और ज्ञान से वंचित रहता है। इसी तरह से अथर्ववेद में भी उल्लेख मिलता है कि जो प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों का दर्शन करता है वो उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होती। अतः हम अपनी दिनचर्या का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से ही करें। ब्रह्म मुहूर्त में मन, इंद्रियां सभी प्रसन्न रहती है, सकारात्मक सोच देता है, कार्य करने में स्फूर्ति रहती है और हमें ज्यादा समय मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो हमें अगले दिन से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जितना जल्दी सोएंगे तभी हम इस काल में उठ पाएंगे। इस तरह से हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझें और इसका पूर्ण रूप से पालन करें। इसी तरह से दूसरा विषय है व्यायाम। शरीर, आयोजन, कर्म, व्यायाम, संगीतन, चित्रित में बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। इसी तरह से चरक भी शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर या बलवर्धनी देह व्यायाम संख्या का मात्र या काम समझ रहे। तो हम शरीर की स्थिरता और बल के लिए जो भी हम चेष्टा करते हैं वो व्यायाम के रूप में जाना जाता है, लेकिन मात्रा पूर्वक निर्देश बताया गया है कि हमको अपने शक्ति से अर्ध शक्ति रूप में व्यायाम करना चाहिए। ऐसे जो स्निग्ध भोजी है, शीतकाल, वसंत है, ये अपनी शक्ति से अर्ध शक्ति के रूप में व्यायाम कर सकते हैं। और व्यायाम के लक्षणों में पेट का आना, श्वास की वृद्धि होना, शरीर में लघुता आना, हृदय का अवरोध होना, ये व्यायाम के लक्षण हैं। इस तरह से व्यायाम की जो लाभ है इसमें विशेष रूप से लाघव, कर्म सामर्थ्य, स्थैर्य, दुख सहिष्णुता, दोष क्षय, अग्नि वृद्धि, मेद क्षय आदि अनेक लाभ हैं जो आहार आदि से मिलते हैं। उसी तरह से व्यायाम, नियमित व्यायाम से हमें इस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। व्यायाम के संबंध में मैं WHO का जो विचार है वो भी रखना चाहूंगा। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम दैट इज हार्ड टू हैव एडेड ग्रेटली टू द लाइफ स्टाइल डिसीज। इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी इज द फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर ऑफ द मोर्टेलिटी। अप्रोक्सीमेटली 2.3 million पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी। और कुछ गाइडलाइंस दिए हैं WHO ने। फिजिकल इनएक्टिविटी इज द फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोबल मोर्टेलिटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। फिजिकल एक्टिविटी शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर स्पोर्ट्स। फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट मिस्टेकन फॉर द स्पोर्ट्स। बोथ मॉडरेट एंड बेगर इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट। पीपल एज 5 to 17 शुड बी एक्युमुलेट एटलीस्ट 60 minutes ऑफ मॉडरेट एंड वेगरस फिजिकल एक्टिविटी डेली। एडल्ट एज 18 to 16 शुड डू एटलीस्ट 150 minutes ऑफ मॉडरेटली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक। द मेन रिकमेंडेशन फॉर द एडल्ट एंड ओल्डर adults 65 and above are the same. In addition, older adults with a poor morbidity should do physical activity to enhance balance and prevent fall 3 or more days per week. These recommendations are relevant to all healthy persons. Doing
some physical activity is greater than doing none. Supportive environment and community may help people to do more physical activity. इस तरह से WHO इस प्रकार की गाइडलाइन देता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में व्यायाम के लिए पहले से ही इस प्रकार का विस्तार से साहित्य है, वर्णन है। लगभग चरक संहिता में सबसे ज्यादा रेफरेंस व्यायाम के मिल जाएंगे। अनेक जगह हम देखेंगे कि व्यायाम एक ट्रीटमेंट के रूप में है, जैसे स्थौल्य, संतर्पण जनजाति, अति निद्रा, प्रमेह आदि में एक ट्रीटमेंट के रूप में भी बताया हुआ है। इस तरह से व्यायाम की विशद व्याख्या आयुर्वेद के साहित्य में विपुल रूप से मिलता है। इस तरह से व्यायाम भी हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक घटक के रूप में समावेश करना चाहिए। इसी तरह से संक्रमण, संक्रमण एक व्यायाम के समान ही लाभ देने वाला डेंटल वॉक के रूप में हम देख सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट हम डेली वॉकिंग करें तो इस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इस संक्रमण के माध्यम से भी हम अनेक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आयु, बल, मेधा, अग्नि आदि भी इस संक्रमण के माध्यम से, यदि जो व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए संक्रमण ही एक विशेष लाभदायक देने वाला घटक के रूप में है, जो दिनचर्या के पास आचार्य सुश्रुत ने इसे अपनी 24वें अध्याय में वर्णित किया है। इसी तरह से प्लीज निद्रा, ह्यूमन स्पेंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द देयर लाइफ लाइफ टाइम स्लीपिंग। इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी, सपोर्ट हेल्दी ब्रेन फंक्शन। इस तरह से निद्रा को देखें, निद्रायतन सुखम मुखम पुष्टि कार्यम बलाबलम। निद्रा के द्वारा सुख दुख पुष्टि कार्य बल अबल ज्ञान अज्ञान जीवन मृत्यु आदि एक बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं, लेकिन निद्रा एक त्रय उपस्तंभ के रूप में बताया गया कि जिसका विस्तार से आयुर्वेद में वर्णित है। तो हमें निद्रा का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब निद्रा लेनी चाहिए। अति निद्रा भी अनेक प्रकार के रोगों का कारण होता है और निद्रा कुछ स्थानों में एक ट्रीटमेंट के रूप में दिया, जैसे काश उन्माद आदि में ट्रीटमेंट के रूप में भी निद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और रात्रि जागरण और दिवा श्वास दोनों ही निषेध बताया गया है, इसलिए निद्रा भी एक प्रमुख घटक के रूप में हम सम्यक स्वरूप में हम जिस समय सोना है एक नियमित समय पर हम निद्रा का सेवन करें तो इसके अपेक्षित लाभ हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है स्नान। स्नान भी एक ऐसा घटक है जो हम प्रतिदिन अनुष्ठान करते ही हैं, लेकिन उसके लाभ विशेष रूप से ऊर्जा बल प्रदम आयुष्यम और स्वच्छता तो देता ही है। इस तरह से निद्रा का भी सम्यक स्वरूप में सेवन करना चाहिए। आचार्य चरक ने दो समय नहाने का दिया है। आजकल कई लोग मतलब इस कोरोना काल में दो समय तीन टाइम भी नहा रहे होंगे, तो स्वयं ही इस प्रकार की अनुभूति होती है कि हम स्नान के तुरंत बाद अपने को एक स्फूर्त और जवान के रूप में पाते हैं। इस तरह से स्नान भी एक सम्यक स्वरूप में एक नियमित समय में हमको इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह से अब हम डायटेटिक्स देखें तो आहार भी एक आयुर्वेद का महत्वपूर्ण घटक है। तो आहार एक नियम स्वरूप में इसके विशेष रूप से आयुर्वेद में अष्टाहार विधि विशेष आयतन का वर्णन दिया गया है, जिसमें प्रकृति करण संयोग राशि देश का आदि का विचार करती है। आहार का
ग्रहण करना चाहिए और आहार एक महाशुद्ध और आहार से अनेक लाभ होते हैं। देहो ही आहार संभव है, तो आहार से हमारी वृद्धि होती है, आयु और बल आहार से ही प्राप्त होते हैं। प्राणियों का प्राण अन्य ही है, इस तरह से आयु आहार विशेष रूप से लाभ देने वाला होता है। जैसे वर्ण प्रसाद प्रसर्य जीवितम प्रतिभा सुखम पुष्टि 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 बल मेधा सर्वम अन्य प्रति अन्य के अधीन होता है, आहार के अधीन होता है। इसलिए आहार का सम्यक रूप से अष्टाहार विधि विशेषज्ञों ने बताए हुए नियमों के साथ और आहार किस प्रकार से सेवन करना चाहिए उसका सम्यक स्वरूप में प्राप्त करना चाहिए। आहार में मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आहार की मात्रा अग्नि को प्रवृत्त करने वाला है। यहाँ पर अग्नि का भी विशेष उल्लेख है। सत्य परिभाषा हमने देखा समाधि से, तो अग्नि एक विशेष फैक्टर है और उस अग्नि को आहार की मात्रा के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। तो सम्यक मात्रा में आहार का ग्रहण करना चाहिए। हम बैलेंस डाइट के रूप में भी कह सकते हैं कि हमें जो भी आहार ग्रहण चाहिए वह सम्यक स्वरूप में सम्यक मात्रा में और सम्यक समय में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि युक्तियुक्त आहार की यहाँ विशेषता है। यदि हम अयुक्तिपूर्वक आहार सेवन करेंगे तो विष स्वरूप होता है। यदि विष का भी सेवन यदि युक्तिपूर्वक किया जाए तो वह एक रसायन या विशेष लाभ देने वाला होता है। इसी तरह से एक रसयुक्त जो आहार है वो दौरा लेकर होगा और षड युक्त आहार बल कर प्रदान होगा। और काल का विशेष महत्व होता है, समय अनुसार ही हमें आहार का सेवन करना चाहिए। हम किसी भी समय मतलब किसी मात्रा में आहार का ग्रहण न करें, हम एक नियत समय निर्धारित करें, क्योंकि आहार के ये जो पाक बताया गया है वह चार याम बताए गए हैं। तो इस आधार पर आहार के पूर्ण पाक होने पर ही हमें दूसरे आहार दूसरे समय का आहार ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से भोजन के पश्चात कुछ विहार का वर्णन आयुर्वेद में वर्णित है, तो जो प्रमुख रूप से कंफर्टेबल आसन में बैठे और भोजन के बाद शतपथ गमन वाम पाशयन और मननुकूल शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे सेवन के आहार का सम्यक रूप में पाचन होगा, क्योंकि आहार का पाचन ही सही रूप में आहार का सम्यक लाभ दे सकता है। इसी तरह से कुछ हमारे दिनचर्या या जो हमारे लाइफ स्टाइल में सद्वृत्त का भी समावेश होना चाहिए। ऐसे कहा गया है द बॉडी फॉलोज द माइंड एंड द माइंड फॉलोज द बॉडी, तो मन और शरीर एक दूसरे की परस्पर सहयोगी रूप में होते हैं। और इसी तरह से वन शुड बी इवन माइंडेड इन बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड कैलेमिटी, संपत्ति और विपत्ति में हमें अपने को धैर्यपूर्वक धैर्यता बनाए रखना चाहिए। और कुछ सद्वृत्तों में वन शुड नॉट बी सस्पेक्ट एवरीबडी, वन शुड नॉट बिलीव ऑन एवरीबडी, मतलब हमें सभी पर संदेह भी ना करें और सभी पर विश्वास भी नहीं करें। न सर्वकाल विचारी, डोंट थिंक ऑलवेज, हमें विचारशील बहुत ही मननशील विचारशील नहीं होना चाहिए। हम जो भी कार्य को लिए कर रहे हैं उसका समय रूप से पूर्ण करें फिर नया कार्य लें या इस प्रकार का विचार करें, नहीं तो जो हम कार्य में कर रहे हैं वह भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। इस तरह से वन शुड नॉट बी हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस एंड मिस्ट्री, तो इस तरह से व्यक्ति स्वयं हैप्पी और अनहैप्पी के लिए
जिम्मेदार होता है, उसे हमको एक धर्म परायण रूप से जो हम कार्य करना है उसी कार्य को करें, धर्म परायण होना चाहिए। शेयर योर हैप्पीनेस विद अदर, शुड नॉट बी कंफर्टेबल एंड हैप्पी अलोन, शेयर द एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ विद अदर। तो हमारे कुछ हैप्पी मोमेंट होते हैं उन्हें दूसरों को भी हम शेयर करना चाहिए। हम ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, विशेष रूप से अवृत्ति विहीन हो, व्याधिग्रस्त हो या शोकाकुल हो, ऐसे लोगों की सदैव सेवा करनी चाहिए। नेवर डिसअपॉइंटेड द नीडी वन, वन हो अप्रोच फॉर द हेल्प शुड नॉट बी सेंट बेस्ट इन थी इंसल्ट आर डिफरेंट। तो हमें किसी प्रकार किसी को भी यदि कोई सहायता मांगते हैं, यदि सहायता नहीं कर सकते लेकिन उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल एंड इग्नोर द अदर्स। वंस इफ यू एवर रिवील द समवन इन हिज एनिमिटी एंड दैट ही इज एन एनिमिटी फॉर सम हेल्प, तो हम कह सकते हैं कि हम किसी के शत्रु हैं और वो हमारा शत्रु है, इस प्रकार का विषय किसी को नहीं करना चाहिए। और गुरु द्वारा अपमान हो तो उसका भी जिक्र कहीं पर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जब भी दस भी पाप कर्म जैसे हिंसा चोरी आदि उनसे दूर होना चाहिए। यह धारणी भी रूप में शास्त्रों में वर्णित है। ऑलवेज बी बिलीव इन गॉड, हम स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें भगवान या जो भी ईश्वर है उस पर विश्वास करना चाहिए। और हमारे हमें दयालु भी होना चाहिए। इवन इन द इंसेक्ट एंड एंड शुड बी ट्रीटेड विद द कंपैशन एंड काइंडनेस जस्ट एज ओन सेल्फ, जिसे हम आत्मत उन्हें ट्रीट करना चाहिए, दयालु स्वरूप होना चाहिए। हर इंटेलिजेंट पर्सन द होल वर्ल्ड इज टीचर, हेंस वन शुड फॉलो द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। नाती समीन विद्या, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। न नियमम विद्या, सिर्फ एक कोटेशन है, नियम भंग नहीं करना चाहिए। न कार्यकालम अतिपाती, मतलब जो भी कार्य जिसके लिए निर्धारित है तो उस कार्य काल में ही संपन्न करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद इज द बेस्ट वे टू अचीव परफेक्ट हेल्थ एंड मेंटेन हार्मोनी बोथ विद इन एंड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। द प्रिंसिपल्स आर यूजली एप्लीकेबल एंड बियॉन्ड ऑफ एनी स्ट्रिक्ट कास्ट। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एडॉप्टिंग द आयुर्वेदिक modalities in lifestyle is a prime step towards ideal living. इस तरह से अंत में अष्टांग संग्रह का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। नित्यम हिताहार विहार से भी समझता है विशेष असत्य दाता समाज सत्य पर क्षमावान अपी क्या भवती अनुदान अर्थेशु अलगेशु अकृत प्रयत्न हिताधरम नित्यम उपाय जितेन्द्रियम पंथी रोग तत्काल यदि नास्ती दे। यदि हम इन सब कार्य को कर रहे हैं, लगभग सम्यक स्वरूप में कार्य रखे हैं, जितेंद्रिय हैं, तो रोग शीघ्रता से नहीं होंगे। लेकिन अंत में भागवत ने कहा यदि नास्ती दे, यदि देव योग न हो, यदि पूर्व कर्म यदि प्रबल है तो इन सबके बावजूद भी रोग हो सकते हैं। इस तरह से आज का ये
लेक्चर में यहीं पर समाप्त करता हूँ। बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टेक्निकली भारी वर्षा के कारण आज शायद थोड़ी ज्ञान की वर्षा में डिस्टर्बेंस ज्यादा ही हो रहा था, क्योंकि लगभग सब जगह मुझे लग रहा है आज बारिश का मौसम है। आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी आयुर्वेद में जो भी प्रोमोटिव प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट को जो कवर किया गया उसके बारे में। चरक संहिता का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो, कि सबसे पहले सूत्र स्थान का वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान में भी अलग अलग चतुष्क का वर्णन किया गया है, जहाँ भेषज चतुष्क के बाद उन्होंने स्वास्थ्य चतुष्क का वर्णन किया है। और उस स्वास्थ्य चतुष्क में आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के सारे ही सूत्रों को बहुत ही बारीकी से डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले मात्रा जी के अध्याय में आहार के बारे में बताया है, वहीं उन्होंने दिनचर्या के बारे में बताया है। उसके बाद तस्य शीत्य में ऋतुचर्या बताया कि अगर आप डेली रेजीम फॉलो करते हैं तो आपको उसको सीजनल रेजीम के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। सीजनल रेजीम में यानी ऋतुचर्या को फॉलो करने के बाद भी यदि कुछ सीजनल वेरिएशन आपकी बॉडी में आ जाते हैं, तो वहीं उन्होंने आचार्य चरक ने जो पंचकर्म एक निर्देश रूप में वहां लिखा है, उसके बाद ना वेगांधारियत, अगर वेग धारण हो गया तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, फिर उसे कैसे सॉल्व करना है। वहीं आचार रसायन का वर्णन किया है कि सोशल कंडक्ट कैसा, कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, हमें सबके प्रति समभाव रखना चाहिए। ऐसे करके बहुत माइन्यूट जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आचार्य चरक ने दिया है हाउ टू मेंटेन हेल्थ। और उसके बाद जाकर उन्होंने चिकित्सा स्थान का वर्णन किया है कि एक बार आप प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ की बात करते हैं, इसके बाद में यदि आप सफर कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एनलाइटिंग सेशन। कुछ हमारे क्वेश्चंस थे सर। डॉक्टर प्रिया मैथ्यू ने पूछा है यूज किया है सर वो क्या है। डॉक्टर अर्जुन जी, आपने एक स्लाइड में है ना लिखा था जहाँ बहुत सारी दिनचर्या के पॉइंट्स लिखे थे, वहां कुछ ऐसा शब्द था शायद आजीविका से रिलेटेड है, जीविकार था यत्न। हाँ, तो वो थोड़ा सा शब्द कुछ विशेष हो रहा था, आजीविका जैसा लग रहा था कि आजीविका का साधन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ। नहीं, जीविका अर्जन के लिए जीविका यत्न अष्टांग संग्रह का एक शब्द है। अच्छा जी, जी जी, अष्टांग ने उसी शब्द को ही लिया था, लेकिन जीविका उपार्जन के लिए, क्योंकि हम जो भी दिनचर्या करें जीविका उपार्जन के ये हमारा प्रमुख साधन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। कई लोग रात में भी काम करते हैं तो इसलिए ब्रह्मोत्स में उतना मुश्किल है। इस तरह से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते और हमारी जो मुख्य जीविका के साधन है इसको ध्यान में रखकर हम करना चाहिए। यहाँ तो मैंने सूत्र स्वरूप में दिया है, बाकी आयुर्वेद में इन जो चार पांच दिनचर्या के विषय घटक दिए हुए हैं उनका ही जिक्र वो भी संक्षिप्त स्वरूप में किया है। आयुर्वेद में मतलब ग्रंथों में अनेक जगह उनका वर्णन आया है, किस तरह से हम उन्हीं घटकों के द्वारा, जैसे व्यायाम है, व्यायाम निद्रा आदि का मतलब अनेक जगह व्यायाम को एकांत भीतर कहा है, तो व्यायाम का चरक में ही देखें मतलब 100 से ज्यादा रेफरेंस मिल जाएंगे, क्योंकि व्यायाम करने से हम मतलब जो हम विरुद्ध आहार भी करते हैं या अधिक इसमें आहार करते हैं तो भी व्यायाम करने वालों के लिए उतना नुकसानकारक नहीं होता है। यदि अति मात्रा में भी लेते हैं तो व्यायाम से अग्नि बढ़ती है। इस तरह से अनेक प्रकरण यहाँ सूत्र स्वरूप में समझते हुए आप
उसको विस्तार से करें और जो लाइफ स्टाइल है अपनी दिनचर्या में इसका समावेश करें। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा भी प्रिया का ही क्वेश्चन था। प्रिया तुम ऐसे करो, एक बार माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन बोल के फिर पूछो, इसमें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है तुम पूछना क्या चाह रही हो, है ना। एक बार तुम बोलोगी तो थोड़ा ज्यादा ठीक से समझ में आ जाएगा। प्रिया जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना इंट्रोडक्शन बोल के फिर क्वेश्चन पूछो। जी नमस्ते सर, मैं प्रिया मैथी, यूजी फर्स्ट ईयर बीएम स्टूडेंट सर। उसमें निद्रा अभी हमारा फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें स्लाइड में हेल्थ और सेफ्टी और प्रोटेक्शन में और इम्यूनिटी के साथ हम हेल्थ को स्लीप को कैसे समझ सकते हैं ऐसे। निद्रा तो प्रेरण स्तंभ का प्रमुख प्रमुख घटक के रूप में भी हम देखते हैं। मतलब हमारी जो निद्रा है, मतलब एक फिजियोलॉजी को पूर्ण रूप से मेंटेन करता है। जब तक आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आप सोने के बाद आपको अपने आप को एक स्फूर्त स्वरूप में प्राप्त करेंगे, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप तो इस स्वरूप में हम देख सकते हैं, ये तो दिनचर्या का एक सही स्वरूप है। इसलिए आयुर्वेद में कहीं पर भी मतलब इतने काल तक सोना ऐसा वर्णित नहीं है, लेकिन मॉडर्न में 6 घंटे से 8 घंटे तक का वर्णन बताया हुआ है। लेकिन यदि शरीर पूर्ण रूप से थका हुआ है और निद्रा का सेवन करना है, तो हम इस प्रकार से निद्रा को एक स्वास्थ्य रक्षण के स्वरूप में, मतलब यदि शरीर थका हुआ है तो हमको विश्राम की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम निद्रा के रूप में और नियमित रूप से निद्रा है और रात्रिकालीन निद्रा एक सम्यक निद्रा के रूप में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और भी क्वेश्चन था, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन। वैसे तो आज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सारा बात कर रहे हैं, तो रसायन के ऊपर तो एक अलग डायरेक्शन हो जाएगी। अभी आज हमने आचार रसायन के बारे में तो बताया ही है बहुत अच्छा, तो फिर भी आप थोड़ा सा कवर करना चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन इन मेंटेनिंग द हेल्थ, डॉक्टर स्मिता ने पूछ रखा है। देखिए रसायन लाभोपायो सत्ता नाम रसादी नाम रसायन, मतलब रसादी धातुओं को जो प्रशस्त मार्ग प्रदान करता है वो रसायन है। रसायन केवल शरीर वर्धक या प्रमोट शरीर को प्रमोट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये चिकित्सा के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से रसायन का जो क्षेत्र है वो चिकित्सा द्रव्य है उससे भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये शरीर के मूल तत्वों को कार्य करते हुए उसको प्रशस्त करता है और बल प्रदान करता है। आप तो उसके लाभ देखेंगे, अनेक प्रकार के लाभ रसायन द्रव्य के सेवन करने से देखिए रसायन का जो सेवन है सदैव हम को इसका सेवन करते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लास्ट में तो बिल्कुल डॉक्टर ऐश्वर्या ऐसा कुछ है बेटा, उसको तो हम है ना वर्षा ऋतु को हम बाद में एक ऋतुचर्या के ऊपर ही एक लेक्चर के लिए मैं किसी अच्छे से स्पीकर को ढूंढती हूँ, ये पूरा अपना विषय परिवर्तन हो जाएगा, मगर वर्षा ऋतु तो सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही। मैं डॉक्टर बलदेव सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर दो शब्द हमें संबोधित करें। डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और आज के विषय के साथ भी खूब न्याय किया, और जितने भी विद्यार्थी इसको सुन रहे थे तो निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। भविष्य में भी
डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल से प्रार्थना है कि वो ऐसे ही समय फिर से कभी जब हम उनको प्रार्थना करेंगे तो समय निकाल करके हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए छात्रों को लाभान्वित करेंगे, तो ऐसी मुझे उनसे उम्मीद है। डॉक्टर बघेल जी के परिचय में पहले ही डॉक्टर दीक्षा जी ने बता दिया था कि बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं और इनकी जो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है और उसके प्रति इनका योगदान है वो बहुत सारी कमेटीज के माध्यम से, बहुत सारी कमेटीज के सदस्य हैं, अखिल भारतीय स्तर पे भी बहुत सारी जगह इनको एक्सपर्ट के नाते बुलाया जाता है और जो चरक की चेयर है जामनगर में उसको भी आप देख रहे हैं वहां पे। ऐसे परम विद्वान अपने डॉक्टर अर्जुन जी, उनका उद्बोधन हम सबको सुनने को मिला तो हम सब भी भाग्यशाली हैं कि हमें आज उनके इन शब्दों को सुनने का अवसर मिला और हम सब लाभान्वित हुए। दीक्षा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं और बीच बीच में अपनी बात भी वो रख लेती हैं आयुर्वेद की, तो इसलिए दीक्षा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थी जो इसमें रुचि लेके भाग लेते हैं तो वो सब भी धन्यवाद के भागी हैं कि आयुर्वेद को सुनने के लिए वो अपना समय निकाल करके इस मंच पे आते हैं। ऐसे सब विद्यार्थियों को भी आभार उनका और इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हम सभी एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे और इसके सिवाय मैं जो सभी अपने जो स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिए एक विषय ये कहना चाह रही हूँ कि सामान्य रूप से मुझे ऐसा लगता है, मेरे 22-23 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो गया उसके माध्यम से कि बहुत सारे और भी आजकल वेबिनार हो रहे हैं, हमारा भी हो रहा है ना, अपना तो 5 साल से हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जैसे आते हैं और अच्छा यही बात है वहां ऑब्जर्वेशन पावर को बिना लगाए वो चले जाते हैं, अच्छा ये तो पढ़ी रखा है, अच्छा यही तो बता रहे हैं, है ना, ऐसा मुझे कुछ भाव कुछ लोगों से बात करके भी पता चला और वैसे भी लग रहा है। तो मेरा जो अभी तक स्थित प्रज्ञता से बैठकर लगातार सुन रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से अध्येताओं से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर असेसमेंट पावर बढ़ाइए, ले दे के जो चरक ने आज बात बताई है वही 5000 साल से रिस्पॉन्सिबल है रोग को रोकने के लिए और रोग हो गया तो रोग से मुक्त होने के लिए, है ना। तो उन बातों को हम बड़ा इजीली ऐसे बिना एवोल्यूशन उसमें से आगे निकल जाते हैं, तो अपनी एक असेसमेंट पावर ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने की मुझे आवश्यकता लग रही है। तो आप सभी लास्ट तक भी रुके, आपने अपनी आयुर्वेद के लिए समय दिया, मैं आप सबका बहुत ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपनी स्वयं की बुद्धि प्रेरित करके अपनी असेसमेंट पावर बढ़ाइए और इसको जैसे होता है ना कि भी जैसे हम कंप्यूटर में कुछ फोल्डर फाइल इकट्ठे करते जाते हैं इस तरीके से उस एक्सपीरियंस को स्टोर करते जाइए जिससे आप पुरुषम पुरुषम विक्ष उस भाव की असेसमेंट कर पाएंगे पर्टिकुलर हर एक पेशेंट में। तो मुझे वो ज्यादा फलदायी लग रहा है इतना साल बाद। तो मैं आशा करती हूँ कि हम जो बार बार कहते हैं विश्वारित परिषद के मंच से कि हम लोगों की पहली पसंद बने, हम आयुर्वेद लोगों की पहली पसंद बने, तो इसके लिए हमें सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और आज के ज्ञान यज्ञ में डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया और मुझे बहुत सारे कुछ सूत्र नए भी पता चले जो अष्टांग हृदय और संग्रह हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर बलदेव सर आपने भी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
कर मेरे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखबाधये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।